last chance. Screw the party. Ghar chalte hain. Let's make mad love. Say it like that, no? Silla, party ponama. Illa, feet kapoe. Kanna pinanu kadal panana. जल्दी निकलेंगे, प्रॉमिस। दैट वन राइट? या। ओह शिट। फोन गाड़ी में रह गया। व्हाट वुड आई डू विदाउट यू? You been smoking again? No. आपके ऐसे कोई भी एक विश को आप पूरा कर सके तो वो विश क्या होगी और क्यों? चुनाव भेजिए, ईमेल करें जाओ ना यार ऐसे रात में ट्रैवल क्यों करने देते हैं? तुम्हें क्या लगता है? गन लेनी चाहिए। आप ठीक हो मैम? दीदी, दीदी हमारी मदद कर दो प्लीज़।
वो मेरे हस्बैंड और मुझे मार देगी। दीदी प्लीज हेल्प कर दो, दीदी को मार डालने दीजिए, मैं बोल जरूरत है। दीदी प्लीज साइड टू, प्लीज 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 साइड टू। प्रॉब्लम क्या है? बहन है मेरी। बॉस तो नहीं बोले ना बहने में। आपने किसी आदमी को देखा यहाँ पे? ब्लू जैकेट पहना था। गाड़ी तेरी है? मैं हाँ, यहाँ से गया अभी। आदमी ब्लू जैकेट पहना था, स्वेटर पहना था अंदर। मैं चलाऊं? मैं पहले मुझे बताओ, आपने किसी आदमी को देखा? हाँ देखा? बताओ बताओ मुझे, किस किस तरफ गया, किस तरफ गया, किस तरफ गया? छुट्टी फिर जा जय मर्द लिखटू मर्द वीर का नो मिलता जोड़ा मेरा जोड़ा भी मिल जाता यश नहीं मिलता फिर यश भी मिल जाता जीवन थोड़ा कह लक्ष्मी छोटे बेटे बाहर आ बेटा लाग जाएगी बाहर आ जा आई आई दे मेरा भाई नहीं है आजा आजा अरे खिलर देना थोड़ा पागल है बाढ़ लग यार लाग जाएगी आजा लाग जाएगी मैंने दिल्ली फोन किया था डीआईजी को दोस्त है मेरा आनंद सहाय चेक कर ले ढाबे पे जो हुआ सबने देखा कोई ना कोई तो बता देगा पुलिस आती होगी पहले यू बता फोन किधर तेरा गाड़ी में गलती कर रहा है तू बोला ना हम कोई रिपोर्टर शिपोर्टर नहीं है हम रिपोर्टर नहीं है चौधरी हो पीछे क्यों आए हमारे शाम हो रहा था यहाँ पर हा? अच्छा देख भाई तूने मुझे मारा मुझे भी गुस्सा आया ना गलती दोनों ने की बात खत्म करते हैं
सॉरी भाई, भैया प्लीज भैया। अच्छा सुन, पैसे चाहिए? एक शब्द और काटा ना मुझे तो समझा। भैया प्लीज, भैया प्लीज हमें जाने दो प्लीज, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, प्रॉमिस प्लीज हमें जाने दो। रहने दे, आज का दिन वैसे भी बहनों के लिए ठीक ना है, चुप चाली बैठी है समझी। दारू पीकर रोज मेरा मर्द तुझे मार रहा है, आ जा भाई हमें यहाँ परेशान करने के लिए। प्लीज हेल्प, प्लीज मेरे साथ चलिए, मेरे हस्बैंड को बहुत चोट लगी है। क्यों हो गया? हम लोग हाईवे से आ रहे थे और रास्ते में कुछ लोगों ने हमें अटैक किया, मेरे हस्बैंड को चाकू मार दिया, बहुत खून बह गया, प्लीज मेरे साथ चलिए। मैं साहब को फोन करता हूँ। रिंगिंग होने लग रही है जी। हाँ जय हिंद जनाब। हाँ जनाब, जनाब एक मैडम आई है जी, इंग्लिश टाइप की है जी। हाँ बोल रहे, ऐसा कोई रोलर आपड़ा हुआ सर जी। अच्छा जी, तुम कहाँ से आने लग रहे? दिल्ली। हाँ जी दिल्ली से। नहीं जनाब, आने तो दिल्ली से लग रहे हैं लेकिन कांडिंग यही हुआ है हाईवे पे। अच्छा जी, हाईवे के उरली तरफ हुआ या परली तरफ हुआ? हेलो सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं और मेरे हस्बैंड दिल्ली से आ रहे थे, रास्ते में हाईवे पे कुछ लोगों ने हम पे अटैक किया, मेरे हस्बैंड को चाकू मार दिया और वो बहुत, नहीं सर मुझे नहीं पता कौन लोग थे, कोई ऑनर किलिंग का केस है शायद, हमारे सामने एक लड़का लड़की को ढाबे से उठा के लेके। फोन क्यों काटा आपने? तुम बसंतपुर थाने जाओ। पर क्यों? ये केस उस थाने का है सर। So, please try and understand. मेरे हस्बैंड को बहुत चोट लगी है। So, please. अरे बोल ना, जाओ यहाँ से। अच्छा आप मेरी घड़ी रख लो, बहुत एक्सपेंसिव है, कम से कम 2 लाख रुपए। ओ बात को समझो मैडम, जाओ यहाँ से। So, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी ड्यूटी हमारी हेल्प करनी, सो प्लीज। अरे ना करनी हेल्प, निकलो यहाँ से। चलो यहाँ से, जाओ। अरे मैडम जी निकलो यहां से। मैडम मेरे साथ ही हैं, हम अभी निकले हैं अंधेरिया वाली गली से। धुलीचंद, धुलीचंद तू मने ना सुना तो बस अपने लेके रेल पटरी पे आ जा, जंगल वाली साइड। हाँ ठीक। धुलीचंद आदमी माड़ा नहीं है, आप इसकी कंप्लेंट मत करना प्लीज। पुलिस वाला है, कुछ तो मदद करनी चाहिए थी। मैडम पुलिस हवा में तो रहती नहीं, गांव में ही रहती है, बिरादरी में, उसका हुक्का पानी बंद हो जाता है। 3-3 लड़के हैं उसके ब्याने लायक, कौन देता उसे अपनी बेटी? वैसे ही लड़कियां नहीं है यहां। अच्छा चलो आप अपनी कास्ट बताओ। हम्म, कास्ट? सिंह पूरी बोल, शादी के बाद। हम्म, इंटरकास्ट मैरिज। सिंह पूरी तो सरनेम हुए ना मैडम, कास्ट जैसे ब्राह्मण बनिया जाट गुजर कुर्मी लोहार। नहीं मालूम, गोत्र तो फिर के ही पता होगा आपने। यू ही फर्क है मैडम, गांव में आप 12 साल के किसी छोरे ने रोक के पूछो जात गोत्र पत्री तुरंत बताओगा, और अपनी तो अपनी, पड़ोसी की अलग।
मनु तो पढ़े ही होगा आपने, बहुत बड़े ज्ञानी थे, जैसे अंबेडकर साहब जिन्होंने भारत का कानून बनाया। अब अंबेडकर साहब ने बोला कि भाई सब गाड़ी लेफ्ट साइड पे चलेगी, तो चलती है ना। अब कोई राइट साइड पे चलेगी तो एक्सीडेंट तो होगा ही। अभी अपने मुकेश पिंकी का ही केस ले लो, इन्होंने अपने ही गोत्र में बयाना है, गलत है ना मैडम ना। आपने सुन के शौक जरूर लग रहा होगा, पर ये गुड़गांव में जहाँ आखिरी मॉल खत्म होते हैं ना, वहीं आपकी ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो जाता है। बिजली पानी नहीं पहुंचती, कॉन्स्टिट्यूशन क्या पहुंचेगा। शुक्र मनाओ मैडम कास्ट सिस्टम का, जो ये बिखरे पड़े हैं सारे, नहीं तो बसड़ मच जाए यहां। आगे से हम शायद गलत रास्ते आ गए। वो रात में सब एक जैसा ही लगता है, शायद मैंने आपको गलत रास्ता बता दिया। मैडम हमारे से गलती हो गई ना, आपने हमें मुकेश पिंकी का नाम कब बताया। विजन बेचारा ठीक सलाह दे रहा था आपने। कुछ आदमी पड़े हुए, मेरे हस्बैंड को बहुत चोट लगी है, मैं रात भर यहाँ पे घूम रही हूँ। देखिए यहाँ नजदीक पुलिस थाना है, आप वहाँ जाइए ना। पुलिस मिली हुई है, पास ही में गांव है, वहाँ के सरपंच के पास जाइए। हाँ हाँ आप ले चलेंगे। मैडम हम बाहर वाले हैं ना। कौन है? अरे दरवाजा खोल। क्या हुआ? खोल खोल। क्या चाहिए भाई? खोल। कौन है? क्यों रहा बिहारी, अब घनी पूछताछ कर रहा है, हाँ? चल आने बिला। माफ़ करना मालिक, वो क्या है ना कि रात को बुखार था, दवाई लेकर सोए थे, इसलिए दरवाज़ा खोलने में देर हो गई। कोई औरत तो नहीं आई यहाँ? नहीं तो कौन?